सो नमस्कार गाइस, मैं हूं आपका प्यारा से दोस्त आर्यन। तो आज हम एक वर्सेस चैलेंज करेंगे और वर्सेस चैलेंज का टॉपिक है एनाबेला वर्सेस पेनीवाइज। तो यही दो कैरेक्टर्स को हम आपस में भिड़ाकर कंपैरिजन करेंगे इनकी पावर्स को, इनकी खूबियों को लेकर। तो गाइस, मुझे तो मुझसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा था, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। वर्सेस चैलेंज शुरू करने से पहले हम दोनों कैरेक्टर्स की रियलिटी और मूवीज़ के बारे में जान लेते हैं, मतलब ये सब कैरेक्टर रियल में एग्जिस्ट करती हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। अगर मैं बात करूँ एनाबेल की, तो एनाबेल के ऊपर काफ़ी सारे मूवीज़ बन चुके हैं, जैसे एनाबेल क्रिएशन, द एनाबेल, एनाबेल कम्स होम, और यहाँ तक कि द कॉन्जरिंग 1 एंड द कर्ज ऑफ लायरोना मूवी में भी इस डॉल के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर हम बात करें पेनीवाइज की, तो पेनीवाइज के ऊपर तीन मूवीज बन चुकी हैं। नंबर 1 स्टीफन किंग से 1990, नंबर 2 इट चैप्टर 1 2017 और इट चैप्टर 2 2019। तो गाइस, ये अब जानते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर रियल में एग्जिस्ट करती है। अगर हम बात करें एनाबेल की, तो जी हाँ, ये डॉल रियल में एग्जिस्ट करती है और ये वॉरन्स के ऑकल्ट म्यूजियम जो कनेक्टिकल यूएस में है वहाँ पर है। मतलब बात करें पेनीवाइज रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये एक नॉवल से लिया गया है जिसका नाम इट है। तो गाइज, ये सब हो गई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब हम डायरेक्टली फाइट को शुरू करेंगे। हम इस फाइट को चार बेसिक फैक्टर से जज करेंगे। नंबर 1 पावर्स, नंबर 2 वीकनेस, और नंबर 3 इंटेलिजेंस लेवल, और नंबर 4 अपीयरेंस। नाउ राउंड 1 पावर्स। अगर बात की जाए एनाबेल के पावर्स की, तो एनाबेल की पावर है कि वो दूसरे स्पिरिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, यानी हिप्नोटाइज करके अपने दुश्मनों पर हमला भी करवा सकती है, जैसा हमने एनाबेल क्रिएशंस और एनाबेल कम्स होम मूवी में देखा, कैसे उसने दूसरे स्पिरिट्स को यूज़ करके अपने उस घर में रह रहे सभी लोगों को एक एक करके डराया और मारने की कोशिश करी। लेकिन अगर हम बात करें पेनीवाइज की, तो पेनीवाइज के पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स है, और उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इल्यूजन्स की। अगर इन एनाबेला और पेनीवाइज को पावर्स की वजह से बेसिस में कंपैरिजन किया जाए, तो जैसे कि आप जानते हैं कि एनाबेल दूसरे स्पिरिट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करके दुश्मनों पर हमला करवा सकती है, लेकिन पेनीवाइज कोई स्पिरिट नहीं है, क्योंकि वो दूसरे प्लैनेट से आया, इसलिए हम उसे एलियन भी मान सकते नहीं हैं, वो एलियन ही है। तो एनाबेल से बिल्कुल भी हिप्नोटाइज या अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो पावर्स के बेसिस में पेनीवाइज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, इसलिए पहला राउंड का विनर पेनीवाइज है। राउंड 2 वीकनेस। तो इस राउंड में हम दोनों कैरेक्टर्स की वीकनेसेस के बारे में कंपैरिजन करेंगे। अगर हम बात करें एनाबेल की, तो एनाबेल की सिर्फ एक ही वीकनेस है, यानी वो ग्लास बॉक्स जिसमें वो हमेशा कैद रखी है, उसे वॉरेंस ने उस ग्लास बॉक्स में कैद कर रखा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्रॉस का सिंबल एनाबेल की वीकनेस है, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि एनाबेल क्रिएशन में मिस्टर मुलिस है एनाबेल को कमज़ोर करने के लिए, उसके डीमन वाले रूप को भगाने के लिए जब क्रॉस का सिंबल यूज़ कर रहे थे, तो एनाबेला ने क्रॉस का मिस्टर मुलिस की उंगलियों को दूसरे डायरेक्शन में मोड़कर उस सिंबल को दूर गिरा देती है, और साथ ही साथ वो मिस्टर मुलिस को भी मार देती है। लेकिन अगर बात की जाए पेनीवाइज की वीकनेस है कि सभी लोगों को मिलकर उससे डरने की बजाय उससे उल्टा पूरा डराना होता है, सभी लोगों को मिलकर उसकी बेइज्जती करनी पड़ती है, जैसे इट चैप्टर 2 में लूजर्स क्लब के सभी मेंबर्स ने किया था, और पेनीवाइज के सामने बहुत छोटा और कमज़ोर हो गया था। उसके बाद लूजर्स क्लब ने पेनीवाइज का दिल निकाल कर उसे अपने हाथों में क्रश कर दिया था। तो अगर हम बात की जाए इन दोनों की वीकनेस की, तो यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि एनाबेल की वीकनेस बहुत कम है, क्योंकि पेनीवाइज की वीकनेस में कोई जादू शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसीलिए राउंड 2 की विनर है एनाबेल। तो दूसरा राउंड जीत लिया है एनाबेल ने। अब तीसरा राउंड है इंटेलिजेंस लेवल। अगर हम बात की करें एनाबेल की इंटेलिजेंस की, एनाबेल बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है,
जैसे कि हमने एनाबेल क्रिएशंस में देखा कैसे उसने घर में मौजूद सभी लोगों को एक एक करके डराया, उन्हें मारने की कोशिश करी, वो भी डीमंस को अट्रैक्ट करके। लेकिन अगर हम बात करें पेनीवाइज की, तो पेनीवाइज के इल्यूजन्स से लोगों को डरा तो देता है, लेकिन लूजर्स क्लब के सभी मेंबर और बच्चों ने लूजर्स क्लब के सभी मेंबर ने हिम्मत से मुकाबला करते हैं और उसके डर को पर काबू पाकर उसे उल्टा पूरी तरह से तरीके से डरा देते हैं। तो गाइस, अगर इन दोनों को इंटेलिजेंस के बेसिस पर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि पेनीवाइज अपने विजन से लोगों को डरा देते, लेकिन उसके दुश्मन भी उससे डरने के बजाय हिम्मत से मुकाबला करते हैं। एनाबेल के पास हज़ारों तरीके हैं अपने दुश्मनों को डराने और मारने के, तो इंटेलिजेंस वाला राउंड भी जीत लिया है एनाबेल ने। राउंड 4 अपीरियंस। तो इस राउंड में हम जानेंगे कि कौन दो को। तो गाइस, अपीरियंस ऐसा राउंड है जिसमें कंपेयर किया जा सकता है कि दिखने में कौन ज़रा डरावना है। बेचारा पेनीवाइज को लास्ट में रखा, इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पेनीवाइज के बारे में। तो पेनीवाइज का चेहरा एकदम क्लाउन के जैसा है, यानी वो एक सर्कस के जोकर की तरह दिखता है, इसलिए हम उसे डरावना नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन पेनीवाइज के दांत चाहे डरावना हो, लेकिन वो हम उसे डरावना नहीं बना सकते। सॉरी पेनीवाइज भाई, तुम हार गए इस राउंड में भी। अगर हम बात करें एनाबेल की, एनाबेल दिखने में ही बहुत ज़्यादा डरावनी है, लेकिन वह डीमन वाला रूप तो दिखने में ही बहुत ज़्यादा डरावना है। तो इन सभी बातों से क्लियर है एनाबेल ये राउंड भी जीतने के साथ साथ पूरे चैलेंज को भी जीत जाती है। तो एनाबेल डॉल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। तो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करना मत भूलिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको बता दूँ, अगला वीडियो हमारा आने वाला है एनाबेल वर्सेस द नन, इस टॉपिक के ऊपर। तो वो वीडियो देखने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। तो गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।